नमस्कार, स्वागत है आपका। वर्ल्ड कप की गारंटी है और वर्ल्ड कप से सिर्फ दो कदम दूर। जी हाँ, सेमीफाइनल मुकाबला भारत के लिए आज। और आपको याद होगा कि 2022 में पिछले वर्ल्ड कप के भी सेमीफाइनल में हम पहुंचे थे और इसी टीम से टकराए थे जिसका नाम है इंग्लैंड। 10 विकेट से हार गए थे और इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा और वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हो गया। और आज बदला भी लेना है और वर्ल्ड चैंपियन बनने से सिर्फ दो कदम दूर है। इन दोनों कदमों को अब हमें आगे बढ़ाना है और जीतना है। बड़ा दिन है आज, बिग डे। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की दुनिया के लिए बड़ा दिन है। हर कोई हिंदुस्तान में इंतजार कर रहा है। 2011 में हमने आखिरी वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर का। उसके बाद से अभी तक हमारे नसीब जो है एक भी वर्ल्ड कप नहीं आया। आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो एक चैंपियंस ट्रॉफी जरूर आई 2013 में, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं आया। लेकिन आज 8 बजे मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार। 7:30 बजे टॉस होना है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं गयाना से, इस वक्त जो जॉर्ज टाउन से, प्रोविडेंस जिसको कहते हैं, वहां से जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि वहां पर लगातार बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, और फिलहाल पिछले 10 से 12 घंटे से कोई बारिश नहीं हुई है। यानी कि गयाना में जो रात है अभी, तो फिलहाल वहां पे सुबह के 10 बजने वाले हैं, 9:15 बज रहे हैं वहां पर, और वहां पर पिछले 10 घंटे से करीब 12 घंटे से करीब कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन पिछले आधे घंटे से बूंदाबांदी बीच बीच में जरूर हो रही है। और ये कुछ तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए कितनी मेहनत यहां पर हम लोग करते हैं इंडिया टीवी में आपके लिए। 3 तस्वीरें सुबह 6:30 बजे की, 8:30 बजे की और फिलहाल अभी की 9:15 बजे की। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है आसमान साफ हुआ है। अभी कहीं कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं, काले काले बादल, लेकिन एक तरफ से जो है मौसम साफ होता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से शायद वेदर रिपोर्ट में भी कुछ बदलाव आया। वेदर रिपोर्ट कह रहा है कि 75% जो है बारिश के चांसेस जरूर है, लेकिन पासिंग शावर्स होंगे, यानी कि आएंगे और जाएंगे। खेल में खलल पड़ सकता है, बीच में रुक सकता है, फिर खेल आगे बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर खेल आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है माहौल हो सकता है। ये देखिए सड़क पर टार जो है वहां पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि पक्की सड़क है और इस पर पानी जो है एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। और मैदान की अगर बात करें तो बता रहे हैं कि आउटफील्ड काफी गीला है, तो हो सकता है कि सही समय पर मैच शुरू ना हो पाए। तो लेकिन बहुत सारे नियम हैं इस सेमीफाइनल को लेकर जो मैं आगे आपको बता दूं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ, अलग अलग शहरों में भी लेके जाऊंगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अपनी टकटकी लगाकर बैठा हुआ है इस सेमीफाइनल को देखने के लिए। और ये गयाना की तस्वीरें फिलहाल भाई आपके सामने। आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, मौसम जो है काफी साफ हुआ है पिछले 2 दिनों के मुकाबले, और एक तरफ जो है पूरा नीला आसमान दिख रहा है, लेकिन ये देखिए दूसरी तरफ जो सामने है आंखों के आपके होराइजन पे, वो बादल दिख रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बादल जो है गयाना से दूर जा रहे हैं, यानी कि स्टेडियम के ऊपर से छट के दूसरी तरफ चले गए हैं। बहुत जबरदस्त वेदर रिपोर्ट मैंने अब आपको दे दी, आपको पूरा समझ गया होगा कि बादल किस तरफ से आ रहे हैं, किस तरफ से जा रहे हैं, स्टेडियम के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन बूंदाबांदी होती रहेगी और बीच बीच में बारिश भी आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें दोनों टीमों की क्या तैयारी है, रोहित शर्मा ने क्या कहा है, इंग्लैंड के खेमे ने क्या कहा है, मैं आपको बता दूं कुछ नियम इस मुकाबले को लेकर। फटाफट आपको ग्राफिक्स दिखा दूं, जो जो इस समय इंडिया टीवी देख रहे हैं उनको यह समझ में आ जाए कि यह मैच कब शुरू हो सकता है, कब यह मैच जो है रद्द कर दिया जाएगा, कब से ओवर कटने शुरू होंगे। तो रूल्स बताना शुरू करता हूं अब, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। तो ये रूल यहां पर ये है कि रात को 12:10 से ओवर कटने शुरू होंगे, 12:10 से एक एक ओवर हर 8 मिनट में दोनों तरफ से कटेंगे दोनों टीमों के लिए। यानी कि एक तरह से टेक्निकली देखा जाए तो 2 ओवर कटेंगे 12:10 से, और 8 मिनट में हर 8वें मिनट में एक ओवर कम होता जाएगा। 1:44 तक मुकाबला शुरू हो सकता है, यानी कि उसको कट ऑफ टाइम भी मान लीजिए। 1:44 तक अगर मैच शुरू नहीं हो पाया तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा, बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। और 1:44 तक 10-10 ओवर का मैच हो सकता है। वैसे अक्सर 5 ओवर से एक मैच को माना जाता है कि जी हाँ, एक मैच को 5 ओवर खेला जाएगा तो ये मैच है, लेकिन ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है और इसमें कम से कम 10-10 ओवर का ही मैच कम से कम होगा, तभी इसे मैच माना जाएगा। और इसके अलावा जो एक और बड़ी बात यहाँ पर है, इसके अलावा जो है एक बड़ी बात यह है कि जो इसमें अगर ये मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है, तो जो है भारत जो है फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप टॉपर है, एक भी मुकाबला हारा नहीं है, और इंग्लैंड अपने ग्रुप से जो है दूसरे नंबर पर आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश हुई तो हम फाइनल में होंगे। हालांकि ये बड़ी दुख की बात होगी, निराश करने वाली बात होगी कि बिना मैच खेले ही भारत जो है फाइनल में पहुंच जाएगा और सामने वाली टीम को लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये नियम भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। मैं आपको बता दूं, हर तरफ से खिलाड़ी हो या फैंस हो, हर कोई इस फैसले पर
हिंदुस्तानी फैन भी इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, इस नियम पर सवाल उठा रहा है कि बारिश होने पर जो पूल में टॉप हुई थी वो टीम अगर फाइनल में चली जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी टीम भी तो सेमीफाइनल खेलने के लिए पहुंची है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय जरूर हो जाएगा इंग्लैंड के साथ, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा, लेकिन ये नियम है सबको मालूम था, लेकिन फिलहाल फेयर है या अनफेयर इसके बारे में कभी और बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ होंगे, अतुल सिंह मुंबई से होंगे, दिल्ली से विशाल होंगे हमारे साथ, और बैंगलोर से टी राघवन, और इसके अलावा विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से। लेकिन फिलहाल सीधा मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि दोनों टीम्स की तैयारी क्या है इस महाजंग के लिए, और बात करें अगर हिंदुस्तान की तो भारी भरकम फेवरेट है इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। अंग्रेजों से वसूलो लगान, फाइनल का बनाओ प्लान। रोहित का मिशन बदलापुर, इंग्लैंड होगा चकनाचूर। कोच का विराट को मैसेज, अंग्रेज होंगे ट्रैश। सेमीफाइनल का संग्राम, हार्दिक बुमराह मचाएंगे कोहराम। टीम इंडिया की गारंटी, इंग्लैंड की बजाएंगे घंटी। गयाना में सेमीफाइनल की लड़ाई के लिए रोहित की टोली ने कमर कस ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सिर्फ एक ही टारगेट है, जीत, सिर्फ और सिर्फ जीत। सेंट लूशिया में ऑस्ट्रेलिया से 2023 का बदला लेने के बाद कप्तान रोहित 2022 का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। रोहित के सीने में बदले की आग धधक रही है। 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से मिली हार रोहित के जहन में अब भी जिंदा है। अंग्रेजों से लगान वसूलने के लिए रोहित को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें एक दूसरे पर भारी पड़ती हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 4 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें 2-2 बार बाजी भारत और इंग्लैंड के हाथ लगी है। बात अगर T20 इंटरनेशनल की करें तो 23 बार दोनों टीमों की टक्कर हुई, इस दौरान भारत ने 12 और इंग्लैंड ने 11 मैच जीते हैं। गयाना में टीम इंडिया को एक तीर से 3 शिकार करने हैं। पहला, इंग्लैंड को हराओ, दूसरा 2022 का बदला पूरा करो, और तीसरा फाइनल का टिकट कटाओ। तो ये फाइनल मुकाबला जो है वो 29 तारीख को बार्बाडोस में खेला जाएगा, और वैसे मैं आपको सुनाऊंगा कि काफी भरोसा है हमारे कप्तान को, रोहित शर्मा को, कि हम फाइनल पहुंचेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बारिश की वजह से मैच देर ना हो जाए, कहीं चार्टर्ड विमान जो है वो बार्बाडोस का वो छूट ना जाए। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, एक बार फिर से वो रिपीट हो रहा है यहां पर 2022 का। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि अलग अलग शहरों से हमारे इंडिया टीवी के संवाददाता पहुंच चुके हैं। विशाल मैच है तो दो विशाल रिपोर्टर हमारे साथ हैं, दिल्ली से विशाल पांडे, लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह, मुंबई से अतुल सिंह, बैंगलोर से टी राघवन, और भोपाल से अनुराग अमिताभ। तो चलिए सबसे पहले विशाल मैच है तो विशाल के पास ही चलते हैं, दिल्ली। विशाल पांडे जी, क्या माहौल चल रहा है, बातें हो रही है दिल्ली में मैच के बारे में, जीतेंगे सेमीफाइनल, जीतेंगे और फाइनल पहुंचेंगे इंग्लैंड से, पिछले सेमीफाइनल का बदला भी लेना है इंडिया को आज। बिल्कुल बिल्कुल बदला लेना है, और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंडिया गेट पर है, जहां पर हजारों के तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं घूमने। लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं एक चीज है, और वो जोश है इंडिया टीम को सपोर्ट करने का। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं, क्या नाम है आपका? संजय। संजय, ये बताइए कि इंग्लैंड और भारत का आज सेमीफाइनल मुकाबला है, क्या क्या देखते हैं, क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? सेमीफाइनल इंडिया जीतेगी और अच्छे तरीके जीतेगी। हाँ, क्या कारण है उसका? क्योंकि सब सारे प्लेयर हैं अच्छा खेल रहे हैं, और हमारे मतलब इंडिया के जो बॉलर हैं वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, जैसे है क्या बोलते हैं कुलदीप यादव, उनकी अच्छी बॉलिंग से हमारी इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जाकिर। अच्छा, ये बताइए आप क्या सोचते हैं, इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है? हमारा देश इंडिया ही जीतेगा क्रिकेट में, क्योंकि हमारे देश के, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी कुछ कम है क्या, किसी से जीतेगी इंडिया ही। विशाल, मैं आपके पास लौटूंगा, अलग अलग शहरों में भी जाना है आज, जरा माहौल का जायजा ले लें। मुंबई चलते हैं, क्रिकेट की राजधानी कही जाती है, और अतुल हमारे साथ है मुंबई में, कैसा माहौल है, क्या कह रहे हैं मुंबई के फैंस? अतुल,
जी देखिए समीप, आपको तो हम बता दें कि जिस तरीके से एंटीगा में बारिश विलन साबित हो सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। कवर्स अभी थोड़ी देर पहले वहां से हटे हैं, लेकिन मुंबई में भी फिलहाल बारिश होती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से काफी ज्यादा गर्मी थी। बारिश का हम आपको इस समय तस्वीर भी दिखा देते हैं। मुंबई का मक्का कहे जाने वाले शिवाजी पार्क की आप तस्वीरें देख रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन जो क्रिकेट के जुनून है क्रिकेट का यंगस्टर्स में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बारिश में भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है गयाना में खड़े हुए हो। इस बात का है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। जी जी, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे माहौल दिख रहा है। आपको बता दें, सुबह से करीबन आधे दिन तक धूप थी, लेकिन बीते 1 से 2 घंटे में जबरदस्त बारिश यहाँ पर मुंबई में हो रही है और जगह जगह इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिले। लेकिन जो एनर्जी लेवल है वो यंगस्टर्स में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर खेलने के लिए, चाहे क्रिकेटर्स हो यंगस्टर्स हो, कुछ है यहाँ पर यंगस्टर्स जो क्रिकेट खेले तो उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? अभिजीत काकड़े। मायने अभिजीत, क्या लग रहा है आज के क्रिकेट का क्या रिजल्ट होने वाला है? सेमीफाइनल इंडिया जीतेगा, सेमीफाइनल है, हमें इंग्लैंड से रिवेंज लेना है 2022 का। ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन आपको लगता है कि बारिश वहां स्पॉइल स्पोर्ट? कुछ भी होने दो, एक ओवर का मैच हुआ तो भी इंडिया जीतेगा, कुछ मतलब नहीं है। विराट कोहली का फॉर्म कंसर्न ही नहीं है, इज अ बिग मैच प्लेयर, वो हमेशा बिग मैच में गेम करेगा और अपना गेम खेल के दिखाएगा। ये बात जोश जोश जो है ना, बड़ा जबरदस्त है। इंडिया विच चेयर फॉर रोहित शर्मा, विच चेयर फॉर विराट कोहली, ऑलवेज यस ऑलवेज चेयर फॉर टीम इंडिया। और ये रोहित की पारी का भी जोश जो है वो दिख रहा है। मैं भोपाल भी चलता हूँ, भोपाल जा रहा हूँ थोड़ा सा अतुल, थोड़ा भोपाल भी होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो मौसम है वो गयाना से मिलता जुलता है और लगातार जो है यहाँ पे भी बारिश आ रही है। दिल्ली हो, नोएडा हो, भोपाल हो, मुंबई हो, गयाना हो, हर जगह बारिश दिख रही है। और भोपाल में कैसा अनुराग, वहाँ पे भी बारिश आने वाली है क्या? भोपाली क्या कर रहे हैं वहाँ के? देखिए सभी पे, क्रिकेट को क्यों धर्म कहा जाता है इंडिया में, और मजबूत ऐसा धर्म जो सारे सबको जोड़ के रखता है, वो इससे साबित हो रहा है कि लगातार भोपाल में बारिश हो रही है। लेकिन ये जो तमाम एस्पायरेंट्स बच्चे हैं जो युवा क्रिकेटर्स हैं, उनको मालूम चला कि बात चलने जा रही है इंडिया ये मैच जीतेगा कि नहीं, तमाम लोग बारिश में खड़े हुए हैं, चेहरे आप देख लीजिए। लेकिन जोश जो है वो साफ तौर पर है, क्योंकि इन्होंने मुझसे बोला था कि जैसे ही आप कैमरे पे आएंगे तो हम इंडिया टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो मैं बात भी कर लेता हूं, ये उत्साह क्यों इतना दिखाई दे रहा है? बरसते पानी में भी आपने साथ नहीं छोड़ा कि हमें इंडिया टीम का साथ देना है। क्या लग रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहने वाला है, जैसा कि पता है कि सारे लीग स्टेज में हमने टॉप किया है, क्वार्टर फाइनल बहुत अच्छा जीते हैं, अच्छी टीम से मैच है। 2022 में हम लोग इंग्लैंड से ही हारे थे, तो होप करते हैं कि बहुत अच्छा मैच होगा। सारे प्लेयर्स फॉर्म में है, सूर्या है, विराट कोहली है, सारे प्लेयर फॉर्म में। बात कही है, लेकिन बात एक सवाल आ जाता है, विराट कोहली की बात चल रही है, 2007 के बाद अब उम्मीद दिखाई दे रही है। पानी यहां भी बरस रहा है, पानी वहां भी बरस रहा है, लेकिन आप लोगों की उम्मीदें क्या कह रही है? बरसती पानी खुशी का पसीना लाएंगी या क्या है कोहली के लिए, बताएंगे? सर कोहली ने जैसे हमने देखा है कि अभी 5 मैचों में रन नहीं बनाए, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस मैच में वो बड़े रन स्कोर करेंगे। सबको लगता है कि इस मैच में रन बनाएंगे विराट कोहली, इस मैच में रन बनाएंगे। सभी बहुत छोटे बच्चे भी हैं, देखिए आप इतने छोटे बच्चे हैं, बरसते पानी में खड़े हैं, ये बता रहा है कि भारत के लिए तमाम जो प्रेयर्स हैं वो जारी। कौन बता रहा था नारियल भी फोड़े गए यहाँ पर? सर हम लोग कल मंगलवार को इंडिया टीम की जीत के लिए नारियल फोड़ कर आए हैं, हमने उम्मीद प्रेयर की है कि इंडिया टीम जीते। प्रेयर की है। सरदार जी कहाँ गए? क्या है, क्या है, क्या लगता है जीतेंगे? यस, आज तो इंडिया ही जीतेगी। जीतेगी, कमाल करेगा हर्षदीप क्या? हाँ, अभी लास्ट लौटेंगे आपके पास। अनुराग रन खा रहा है, लेकिन जी जी अनुराग, हमारे पीसीआर के अंपायर कह रहे हैं कि फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, सीधा लखनऊ भी चलेंगे, क्योंकि वहां से एक और विशाल हमारे जो है इस विशाल मैच के लिए खड़े हुए हैं हमारे फैंस के साथ, विशाल प्रताप सिंह, लखनऊ भी चलेंगे और विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की भी बात करेंगे जो कि नॉकआउट में बड़ा जबरदस्त है, इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहां हम कह रहे हैं वर्ल्ड कप की गारंटी है इस बार। स्वागत है आपका एक बार फिर, और इंडिया टीवी में हम जो बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं। हमने कहा था वर्ल्ड कप की गारंटी है, सिर्फ 2 कदम दूर है, और वाकई में इस बार आप लोगों को, किसी को अगर शक है तो शक जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप लेकर ही वापस लौटेंगे रोहित शर्मा और उनकी सेना। फिलहाल हमारी सेना भी पूरी तैनात है इंडिया टीवी की, अलग अलग शहरों में मैं आपको लेकर गया हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बेंगलुरु, और उसके बाद मैं चलूंगा विशाल प्रताप सिंह लखनऊ के पास, और टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ हैं।
राघवन जी, बेंगलुरु क्या कह रहा है, क्योंकि कोच साहब तो बेंगलुरु से हैं, तो बेंगलुरु में भी जोश जबरदस्त होना चाहिए इस सेमीफाइनल को लेकर। जी देखिए, बेंगलुरु का मिजाज समीप आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्रिकेट यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ गेम से ज़्यादा एक जो अच्छी टीम खेलती है उसको ज़्यादा पसंद करने वाले लोग यहाँ पर हैं। जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की गई है, अगर आप किसी भी बड़े पब या मॉल में जाएंगे तो इस तरह से बड़े स्क्रीन से यहाँ पर लगाएं ताकि लोग आराम से यहाँ पर बैठ कर अपने मैच का आनंद ले सके। कुछ लोग हमारे साथ इससे पहले जुड़े थे लेकिन अभी वो फिर व्यस्त हो गए हैं, इस वजह से शायद मैच जब शुरू होगा तो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या है। जब हमारी बात हो रही थी उनका ये मानना है कि आज एक बड़ा मैच है, विराट कोहली जरूर परफॉर्म करेंगे, और जो 22 के बदले की लगातार बात हो रही है, बेंगलुरु के लोग भी ये मानते हैं कि 22 का बदला जो है वो जरूर लिया जाएगा। एक फैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा आज? Today sure win for India. Sure win for India. Yes. Sure Virat Kohli will yes. play. You are anticipating Super. that he'll play. This time he have to shine. Yes, to shine. 100% he have to win. कह रहे हैं कि बड़ा मैच है, विराट कोहली जरूर शाइन करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि बहुत आराम से यहाँ पर लोग मजे लेकर इस मैच को देखना चाहते हैं। बिल्कुल, मजे की तैयारी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, बस ये बारिश ना खलल डाल दे और हम, क्योंकि एक ओवर भी अगर नहीं डाला तब भी हम फाइनल में, और जैसा कि मुंबई गए थे, मुंबई में एक फैन ने कहा एक भी ओवर हो जाता है तब भी हम जीतेंगे इस मुकाबले को, हर हाल में जीतेंगे। भाई इंडिया टीवी ने पहले ही कह दिया वर्ल्ड कप की गारंटी है, इस गारंटी को अब आप देखना कि 29 तारीख को वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। वर्ल्ड कप की गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है, सेमीफाइनल मुकाबला है और 7:30 बजे टॉस है, लेकिन अगर बारिश ने इजाजत दी तो, गयाना में बारिश हो रही है, बूंदाबांदी फिर से शुरू हुई है, लेकिन देर हो सकता है, लेकिन मैच होने की पूरी संभावना आज है, उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि 1:44 रात के 1:44 तक 10-10 ओवर का मैच खेला जा सकता है। फिलहाल सीधे मैं आपको लखनऊ लेकर चलता हूं, विशाल प्रताप सिंह इस विशाल मैच के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। विशाल, आखिरी सेगमेंट में आपके पास आया हूं, हालांकि लखनऊ में बड़ा मजा आता है, जब भी आता हूं बड़े दिलचस्प फैंस वहां के जो है बयान देते हैं, बातें करते हैं, आज क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल के बारे में विशाल? समीप, जैसा कि आपने जिक्र किया है, लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स है, सिटी ऑफ कबाब्स है और सिटी ऑफ क्रिकेट फैन लवर्स है, और ये सारे क्रिकेट फैन के जो लवर्स है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देखिए, ये देखिए कि शुरुआत हमने की नहीं कि इंडिया इंडिया शुरुआत हो गई, बताइए क्या होने जा रहा है आज, सबसे बड़ा मैच कौन खेलेगा? आज इंडिया जीतेगी और रोहित शर्मा बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी, और आज विराट कोहली चलेंगे ही चलेंगे, आज चलेंगे, बड़ा मैच है तो कोहली चलेगा, बड़े मैच में बड़ा प्लेयर, देखिए बड़ा मैच है तो बड़ा प्लेयर चलेगा। आप बताइए बॉलिंग में क्या होने जा रहा है? बुमराह चलेगा, सारे विकेट ले लेगा, वही लिखे, इंग्लैंड से लगान वसूल लिया जाएगा। अरे चश्मे वाले भाई साहब, आप बताइए आज इंग्लैंड से लगान वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा? फुल वसूला जाएगा। अब विशाल, फिलहाल मैं आपको यहीं पर रोकूंगा क्योंकि वक्त इतना ही है, लेकिन मैच में 7:30 बजे टॉस होने वाला है, थोड़ा सा अपडेट आपको मैं दे दूं, लेकिन फिलहाल बारिश हो रही है गयाना में, और सारे अपडेट्स इंडिया टीवी पर और इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं यहां से लंबी छलांग लगाने वाला हूं और यूट्यूब पर आपसे मिलूंगा और आपसे बातचीत भी होगी, और सारे अपडेट्स आपको लगातार इंडिया टीवी पर मिलते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद आपका क्या इंतजार कर रहा है, नीट पेपर लीक के दोषियों के कितने करीब पहुंचे सीबीआई, देखिए स्पेशल रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद।